फ्रेंड्स वेलकम यू एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई शैल टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन। इन दिस वीडियो आई टेल यू दैट व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एक्टिव मीन्स होता है कर्त, एक्टिव वॉइस कर्तवाच एंड पैसिव वॉइस कर्मवाच। यानी जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और जो पैसिव वॉइस हैं उसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कैसे यूज करना है और इसमें क्या होता है, किन किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। तो कुल इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि कुल सेंटेंस यानी टेंस कितने हैं, कुल काल कितने हैं और किन किन की इंग्लिश यानी बनती है। तो यहाँ पर जो कुल टेंस हैं वो 12 होती हैं और जो पैसिव वॉइस है वो केवल 8 टेंस की ही बनती है। तो वो कौन से 8 टेंस हैं और वो कौन से 4 टेंस छूटे हुए हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो यहाँ पर एक्टिव में फर्स्ट 12 टेंस होते हैं। एक्टिव में 12 टेंस होते हैं, पैसिव में 8 टेंस होते हैं। इसमें 8 टेंस की पैसिव बनती है, 8 टेंस होते हैं। इसमें क्रिया द्वारा यानी वर्ब द्वारा कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसमें पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता दी जाती है। थर्ड है, इसमें यानी पैसिव वॉइस में इसमें हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। इसमें नए कर्म यानी ऑब्जेक्ट से पहले इसमें नए कर्म से पहले कर्म से पहले वाई का यूज वाई का यूज किया जाता है, वाई का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय
सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सेकंड है हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फोर्थ थर्ड है नए ऑब्जेक्ट से पहले नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कैसे करते हैं यानी सब्जेक्ट आई अगर आएगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट में मी लिखेंगे। आई का मी, बी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है, हु का होम हो जाता है। यानी आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और हु का हुम हो जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन किया जाता है। किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है और किन की नहीं बनती है तो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनती है और जो फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनती है इसकी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट परफेक्ट की भी पैसिव वॉइस बनती है पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनती है और इसमें थर्ड फ्यूचर
जो सेकेंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी नहीं बनती है। और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी बनती है। और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव नहीं बनती है। फोर्थ की जो है पैसिव नहीं बनती है। तो यहाँ पर जो आठ टेंसेस हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। वन टू थ्री, इनको याद कैसे रखना है? तो वन टू थ्री, वन टू थ्री और वन थ्री, ऐसे इनको याद रख सकते हैं कि किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन थ्री, यानी इसका फोर्थ नहीं बनती है, प्रेजेंट का और पास्ट का फोर्थ नहीं बनती है, और जो फ्यूचर का सेकेंड है और फोर्थ है नहीं बनती है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, एट की पैसिव वॉइस बनती है। चेंजिंग इन टेंस, काल में परिवर्तन। चेंजिंग इन टेंस, काल में परिवर्तन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग इसमें जुड़ जाता है। पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो ये काल में परिवर्तन इस तरह से होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी चेंजिंग इन हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, एस या ईएस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू, डज या यस या ईएस आता है, तो हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, आर, एम आ रहा है, तो हम इज, आर, एम प्लस बीइंग लिखेंगे। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और उसमें बीइंग उसके साथ में लिखना है। हैज, हैव अगर आता है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन। अगर डिड या सेकेंड फॉर्म आता है
तो उसका वाज वर्ब हो जाएगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट डिड, या सेकेंड फॉर्म आता है तो वाज वर्ब हो जाएगा। अगर वाज वर्ब है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। अगर हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। बिल सेल है तो बिल बी ऑब्लिक सेल बी हो जाएगा। अगर बिल हैव सेल हैव है तो बिल हैव बीन ऑब्लिक सेल हैव बीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।